सो गाइस बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि बटर चिकन लाऊं अपने मुकबैंग में। कुछ सालों पहले पता नहीं क्यों बंद हुआ था वो, मेरे को पता नहीं। खाने के बाद मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँगा, ये देख रहे हो आप। तो हेलो गाइस, दिस इज़ बादल ठाकुर एंड यू वॉचिंग द बी टी मकबैंग। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि बटर चिकन लाओ अपने मुकबैंग में, बटर चिकन लाओ। सो बहुत जनों ने कमेंट किया हुआ था। तो आज नवरात्रों के बाद मैं अपना पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ। नवरात्रों में मैंने अपनी वीडियो शूट नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा था कि जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो बटर चिकन के साथ ही बनाऊँगा फर्स्ट वीडियो। तो गाइस ये बटर चिकन है, मैंने घर पर बनाया हुआ है, बाहर से कुछ इंक्लूड नहीं किया। सिर्फ ये जो बटर नान है ये बाहर से लेके आया हूँ। ऑब्वियसली गाइस बटर चिकन बना और साथ में बटर नान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बटर चिकन के साथ बटर नान खाने का मज़ा ही कुछ और है। और कुछ सैलड है, और साथ में जहाँ से मैंने बटर नान लाया था उनके वहाँ से उन्होंने एक चटनी दी हुई है। सो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। सो गाइस सबसे पहले डालते हैं इसमें अमूल फ्रेश क्रीम। इससे पहले भी मैंने बटर चिकन पर वीडियो बना रखी है मुकबंग में, उस टाइम मेरे को अमूल का फ्रेश क्रीम नहीं मिला था। सो बहुत ही मुश्किलों के बाद ये मिला हुआ है। एक्चुअली ये बंद हो गया था कुछ सालों पहले, पता नहीं क्यों बंद हुआ था वो, मेरे को पता नहीं। अब कुछ मज़ा आएगा खाने का। वो फ्रेश क्रीम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अमूल का तो आपको पता ही है, अमूल का ही होता है फ्रेश क्रीम। सो गाइस मैंने इनको बोला था ब्रेड कट मत करना, लेकिन उन्होंने कट कर दिया। और मैंने ये अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से बटर नान मंगा रखा है। करते हैं स्टार्ट। सो गाइस चेक करो ज़रा, गाज मैं आपको बता नहीं सकता कितना बेहतरीन और लाजवाब बना हुआ है। सॉरी मैं आज दोनों हाथ यूज कर रहा हूँ। इस बटर चिकन की टेस्ट इस ब्रेड ने, मतलब कि इस नान बटर नान ने और बढ़ा दी है। आज मैं पूरा फुल मैसी होके खाने वाला हूँ। एक मिनट गाइस मैं ये सैलेड यहाँ से हटा देता हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए रखा था। आपको बटर चिकन अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा होगा। आजा भाई, गाइस मैं आपको बता नहीं सकता कितना बेहतरीन बना हुआ है सच में। गाइस इस बटर नान के साथ ना इसका टेस्ट 100 गुना ज़्यादा हो गया सच में। गाइस मैं चेक करूँ आप,
गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, शायद मैंने ये घर पे बनाया है या नहीं बनाया। मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन अभी मेरा जो किचन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, सो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाता, अपनी रेसिपी शेयर नहीं करता। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएगा मैं ज़रूर अपनी वीडियोस में रेसिपी शेयर करूँगा। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इसको बनाने में मेहनत तो है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है बनाना इसको। पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है जम्मू में। आज मैं पूरा फुल मैसी होके खा रहा हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट बटर चिकन विद बटर नान। बटर चिकन के साथ इस चटनी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा गाइस, इसलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब ओ भाई बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। गाइस इस लेग पीस को पता है क्यों बचा के रखा है मैंने, अभी बताता हूँ मैं एंड में। इस लेग पीस को खाने के बाद मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँगा। ये देख रहे हो आप, ये चेक करो गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। मुझे अब दुख हो रहा है कि मैंने एक लेग पीस पहले क्यों खा दिया। मैं वैसे राइस भी इंक्लूड कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बटर चिकन के साथ बटर नान वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
सो गाइज ये लास्ट बाइट है लास्ट। मुझे दुख हो रहा है कि मैंने सिर्फ दो ही नान लेके आया था। 50 रुपीज़ का एक नान है इनका, सबसे महंगा नान है मेरे को लगता है जम्मू में। भाई इसकी ग्रेवी जो है ना वो नहीं छोड़ूंगा मैं, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। इसको मैं ऑफ कैमरा ख़त्म करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जिस टाइप से इसको खाऊंगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। सॉरी फॉर दिस गाइस कि मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट लेके आया हूँ। मैं बहुत पहले लेके आना चाहता था लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेट चला गया था। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैं डेली अपने स्टोरीज जो है वो अपलोड करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।